किन लोगों ने राष्ट्रीय नेतृत्व को एक फोटोग्राफ भेजा वह इसलिए बहुत ही दुखद है कि वह फोटोग्राफ भेजकर बताया गया कि जिस संभ्रांत वृद्ध और आध्यात्मिक प्रवृत्ति की महिला के साथ मैं खड़ा था वह अट्ठासी साल की लगभग हैं उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता कन्हैया जी जो सायोनारा होटल के भी ऑनर्स में हैं उनका फोटो था वह फोटो आरोपित कर दिया गया कन्हैया जी को बता दिया गया कि वे विनोद राय जी हैं और कन्हैया जी की मां को मेरी मां बता दिया गया यह जानते हुए भी कि मेरी मां की मृत्यु 2018 में जिस दिन मुझे राज्यसभा के लिए बताया गया था उसी दिन हो गई थी जो व्यक्ति अपने ऊपर दी गई गालियों के बौछार को माँ और बहन की दी गई गालियों के बौछार का जवाब नहीं दे पाया वह व्यक्ति किसी को काला झंडा दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता और अंतिम लक्ष्य गृह जो बनाया गया कि काला झंडा मैंने दिखाया गया और ये धारणा बना दी गई जो मेरे ऊपर कलंक है पहली बार जीवन में मुझे अपने दोनों बच्चों की कसम गणेश जी की मूर्ति पर हाथ रख के तीन बार खाना पड़ा कि यह काम मैंने नहीं किया है रेस्टोरेंट की दुनिया में हर्ष गार्डन सिंघॉल बेगूसराय की नई पेशकश कावेरी रेस्टोरेंट स्वादिष्ट एवं हेल्दी भोजन के लिए शहर का गौरव हर्ष गार्डन का कावेरी रेस्टोरेंट रूफ टॉप लॉज प्राइवेट डाइनिंग एरिया लॉन एरिया और बेहतरीन सुसज्जित डाइनिंग हॉल के साथ आपको हम उच्च कोटि के सेफ और वेटर के सहयोग से न सिर्फ मनोनुकूल स्वादिष्ट व्यंजन परोसते हैं बल्कि सत्कार भाव से अपनेपन का एहसास कराते हैं बर्थडे सेलिब्रेशन रिंग सेरेमनी फैमिली गेट टूगेदर बिजनेस मीटिंग आदि के लिए पधारे होटल हर्ष गार्डन कावेरी रेस्टोरेंट पूरी तरह वातानुकूलित परिसर एवं भव्य रिसेप्शन के साथ लिफ्ट एवं पार्किंग की सुविधा नमस्कार मैं हूँ विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा सर चोर शोर से चर्चा है पब्लिक डोमेन में सर कि राकेश सिन्हा चुनावी मैदान में आ सकते हैं और सब उसकी बात हम बाद में कर लेंगे पिछले दिनों काला झंडा दिखाया गया गिरिराज जी को जो केंद्र में मंत्री हैं और बेगूसराय के सांसद भी हैं भाजपा के कार्यकर्ता उन्होंने ही झंडा दिखाया क्या कहेंगे सर देखिए भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है जिसमें कोई कार्यकर्ता अपने नेतृत्व को काला झंडा दिखाए लेकिन वो काला झंडा जिन कार्यकर्ताओं ने या बाहर के लोगों ने दिखाया ये पार्टी का विषय जांच का था और ये केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी उन कार्यकर्ताओं के बीच का एक विषय था जिसकी जांच होनी चाहिए या हुई होगी इसलिए मैं इस पर और क्या कह सकता हूँ क्या लगता है सर क्यों ऐसा हुआ भाजपा बहुत अनुशासित पार्टी माने जाती है उनके कार्यकर्ता काफ़ी अनुशासन में रहते हैं और अपने ही मंत्री को काला झंडा दिखा दे वो भी एक दो संख्या नहीं वहाँ बहुत सारे लोग थे ये तो जिला इकाई जो है वो बताएगी कैसा क्यों हुआ कैसे हुआ या प्रदेश इकाई बताएगी हमारी पार्टी की एक संरचना है उस संरचना में अनुशासन समिति है जांच की समिति है और ऐसा करने वाले कौन थे लेकिन जो धारणाएं बनाई गई वो गलत है। उसके बारे में जो एक दुष्प्रचार हुआ मुझको जोड़कर वो बहुत गलत हुआ आपका भी नाम अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ा जा रहा था क्या ये सही है क्या निश्चित रूप से एक अखबार में पहले एक न्यूज़ प्रकाशित कराया गया जब मैंने कहा कि सीसीटीवी लगा हुआ है मेरे घर पे और घर के रास्ते पे और मैंने संपादक से बात की तो रात और हमारे एक वरिष्ठ कार्यकर्ता सुनील जी ने भी इस पर वहाँ यहाँ के स्थानीय रिपोर्टर से बात की तो अंत में वो न्यूज़ को हटाया गया माफ़ी मांगी गई शायद रिपोर्टर पर भी कार्रवाई हुई मैं अभी पूरी आश्वस्त नहीं हूँ लेकिन मुझे कहा गया रिपोर्टर पर कार्रवाई होगी उसके बाद किन लोगों ने राष्ट्रीय नेतृत्व को एक फ़ोटोग्राफ भेजा वह इसलिए बहुत ही दुखद है कि वह फ़ोटोग्राफ भेजकर बताया गया कि जिस संभ्रांत वृद्ध और आध्यात्मिक प्रवृत्ति की महिला के साथ मैं खड़ा था वह अट्ठासी साल की लगभग हैं उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता कन्हैया जी जो सायुनारा होटल के भी ऑनर में हैं उनका फोटो था वह फोटो आरोपित कर दिया गया कन्हैया जी को बता दिया गया कि वे विनोद राय जी हैं और कन्हैया जी की मां को मेरी मां बता दिया गया यह जानते हुए भी कि मेरी मां की मृत्यु 2018 में जिस दिन मुझे राज्यसभा के लिए बताया गया था उसी दिन हो गई थी यदि लोगों में संवेदना इतनी समाप्त हो जाए कि राजनीति में माँ और बहन को भी घसीट कर लाया जाए जो व्यक्ति अपने ऊपर दी गई गालियों के बौछार को माँ और बहन की दी गई गालियों के बौछार का जवाब नहीं दे पाया वह व्यक्ति किसी को काला झंडा दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता मैंने अपने आप में इतनी अकुशलता विकसित की है कि गलत काम नहीं करने की अकुशलता मुझ में है मैं चाहकर भी नहीं कर सकता मैं चाकर भी गलत लोगों से नहीं मिल सकता हूं चाहकर भी उनके साथ संबंध नहीं स्थापित कर सकता ये इनएफिशंसी मैंने डेवलप कर लिया अपने में जिससे कि ऐसी नौबत न आए जब मैंने कहा कि ये कन्हैया जी हैं और कन्हैया जी की माँ के हैं और इनके घर पे रामदेरी में मैं छठ के बाद गया था बहुत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति की हैं वो और अनेक फोटो भेजा गया सवाल यह उठता है कि कन्हैया जी की माँ को इस कंट्रोवर्सी में लाया गया मेरी माँ बताकर एक तरह से आपने एक वृद्ध महिला को आध्यात्मिक प्रवृत्ति के महिला को एब्यूज किया मुझे एब्यूज़ किया आरोप लगाना बहुत आसान है और आरोप की पुष्टि करने के लिए कुछ भी कर देना किसने किया क्या किया मुझे नहीं मालूम इसलिए मुझे लगा कि मैं अंत में मुझे एक स्थान पर क्योंकि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है पहली बार जीवन में मुझे अपने दोनों बच्चों की कसम गणेश जी की मूर्ति पर हाथ रख के तीन बार खाना पड़ा कि यह काम मैंने नहीं किया है उस भीड़ में जो लोग तीन सौ थे चार सौ थे 500 सौ थे उस भीड़ में मैं एक भी व्यक्ति को मैं नहीं जानता हूँ जिनका नाम आया उनसे भी मैं सुपरिचित नहीं हूँ अगर ये फोटो किसी श्रद्धांजलि सभा का किसी विवाह उत्सव में दिखा दिया जाता तो मैं बेगूसराय में छः साल से जब सक्रिय हूँ तो सैकड़ों हजारों लोगों से मिलता हूँ उनका फोटोग्राफ रहता है यदि वह भी फोटो उपलब्ध नहीं हो पाए मुझे खेद यह हुआ कि मेरी माँ जा चुकी हैं। वो स्वयं एक धार्मिक महिला थी वही मुझे कहा करती थी कि दीरा चौर की समस्या को दूर करना इसीलिए राज्यसभा में आते ही मैं अगले लोकसभा के लिए नहीं 2018 के जुलाई में मैं राज्यसभा में आया और अगस्त के महीने में मैं भवानंदपुर में एक भगवती के मंदिर में 600 सौ सात सौ लोगों की उपस्थिति में मैंने कसम खाया था संकल्प लिया था कि मैं दियारा चौर को अभिशाप से मुक्त करूँगा तो मेरा भाव सामाजिक काम करने का था जैसे मैं मेघालय जाकर कांगथोंग में काम किया वैसे ही यहाँ के सूजा में दल महादलितों के बीच काम किया हर चीज़ का लक्ष्य राज्यसभा लोकसभा नहीं होता है लेकिन जो लोग भयभीत हुए कौन लोग हैं क्या लोग हैं मुझे नहीं मालूम वो बार बार लक्षागृह बनाते रहे और मैं बार बार लक्षागृह में जाता रहा और अंतिम लक्षागृह जो बनाया गया कि काला झंडा मैंने दिखाया गया और ये धारणा बना दी गई जो मेरे ऊपर कलंक है अब इस कलंक को मैं कैसे मिटाऊं माँ का मैं अपने बच्चों की कसम तो खाया जो पढ़े लिखे व्यक्ति को इस आयु में अपनी रा, राजनीति बचाने के लिए मैंने नहीं किया यदि राजनीति बचाना होता तो मैं कसम नहीं खाता भगवान राम ने कहा था कि लोकोपवाद से बचना चाहिए उसी लोकोपवाद से बचने के लिए मैंने कसम खाया था जो वैज्ञानिक नहीं है जिसकी लोग स्वीकृति नहीं देते हैं जिसका लोग अभिनंदन नहीं करते हैं और एक बार नहीं तीन बार गणेश जी के दोनों हाथों पर मोती रखकर मेरी आंखों से आंसू टपक रहा था और मैंने कसम खाया लेकिन राजनीति इतनी असहिष्णु है इतनी अवंदनीय है ये मुझे मालूम नहीं था कि आप काम करें आप जनता के बीच काम करें और उसके बाद भी आपको कठिनाई में डाला जाएगा पद मिलना न मिलना क्योंकि जब राज्यसभा मुझे मिला था मुझे जानकारी नहीं थी मैं अपनी माँ का शोक मना रहा था तो मैं पार्टी के लिए आभारी हूँ कि पार्टी ने बिना मांगे वह दिया पार्टी के नेतृत्व का आभारी हूँ मुझे यही लगा कि जो कलंक मुझ पे आया उसको मैं कैसे मिटाऊँ इसका मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ सर एक बड़ी उम्मीद लोगों में जगी थी बेगूसराय के लोगों में जब दो दो सांसद मिले बेगूसराय को राकेश सिन्हा गिरिराज सिंह दोनों एक ही पार्टी से आमतौर पर आपकी पार्टी में डबल इंजन की बात होती है ऐसे में क्या कहाँ कमी रह गई कि तलवारें खिस गई आप कह रहे हैं कि हमारी माँ की तस्वीर बता के कि बुज़ुर्ग महिला की तस्वीर को भेज दिया गया ये नौबत आखिर क्यों आई है सर देखिए मैं जब राज्यसभा में गया तो मुझे एक नोडल डिस्ट्रिक्ट चुनना था साधारणतः जो भी व्यक्ति होता अपने गृह जिला को ही चुनता है मैं राज्यसभा में 2018 के जुलाई में गया और वह आवश्यक होता चुनना मैंने मेघालय में ज़रूर गांव गोद लिया वह भी गोद इसलिए लिया कि चूँकि मैंने उस गाँव के बारे में नाम उठाया गांव के लोगों में उत्सुकता हुई गाँव के लोग मुझे जुड़े फिर वहाँ की एक संपादिका पैटिसिया मुखीम जो कि वामपंथी विचारधारा की हैं ईसाई हैं उन्होंने आग्रह किया कि तुम इस गाँव को गोद ले लो उनके आग्रह पर लिया मैं वैचारिक छुआछूत का विश्व में और राजनीतिक छुआछूत में विश्वास नहीं करता हूँ जिसको करना करे मैं सब दल के लोगों से दोस्ती रखना सब दल के लोगों से संवाद करना सब दल के लोगों का सम्मान करना और किसी भी नेता के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं करना मेरे चरित्र का हिस्सा है या किसी समाज के प्रति वो तो प्रश्न ही नहीं उठता देखे है।, देखे है मैंने अपनी जाति को छिपाने के लिए ही तो सिंह से सिन्हा किया था मैं चाहता था कि दिनकर जी ने जो लिखा है कि योग्यता की पूजा होनी चाहिए मैं उस भूमि का हूँ तो दिनकर जी की लेखनी को पढ़ूँ और उस पर नहीं चलूँ ये मेरे मेरे टेम्परामेंट का हिस्सा नहीं लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2017-18 में मैंने इस जिला को गोद लिया इसके इसके इसमें काम करना शुरू किया मैं तो दियारा जाता था चौड़ जाता था मेरा इतिहास निकाल लीजिए दियारा बेगूसराय का कोई बयालीस दि, डिग्री टेम्परेचर में मेरे साथ जो लोग चलते हैं उनको तो मैं पानी देने की भी स्थिति में नहीं हूँ मेरी आर्थिक स्थिति यह भी नहीं थी वे लोग क्यों चलते थे मुझे यही आश्चर्य लगता था मुझे लगता था अगले दिन मेरे साथ ये जाएंगे कि नहीं जाएंगे गाड़ी कभी रुक जाती थी और मैं लोगों की दक्षिणा पर जीता रहा लोग मर्सी करते थे कि अपने घर पे मेरे साथ जाने वाले लोगों को खाना खिलाते थे पानी पिलाते थे शायद मैं इस ऋण से कभी ऋण नहीं हो पाऊँगा मेरे कारण एक एक कार्यकर्ता का तीन तीन चार चार लाख रुपये खर्च हुआ है लोगों ने डेढ़ डेढ़ सौ लोगों को भोजन कराया है जबकि मेरा कोई परिचय नहीं था और उन सीमाओं को करके दियारा चौर साम्ह पुल के निर्माण का जब मैंने मांग उठाया तो किसी राजनेता किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नहीं था वहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ के आरजेडी जे डी वहाँ के कांग्रेस पार्टी सबको लाभ होगा मुझे इतना ही ध्यान था कि हमारी माँ बहन बेटियाँ जो पूर्वज थे कितने कष्ट से और आज किसी सामो की बेटी का कि पिताजी बेगूसराय में हैं पहसारा गाँव में हैं और उनके पिताजी की तबीयत खराब हो जाए तो बिटिया जब तक पहुँचेगी बीस मिनट के रास्ते को वो साढ़े चार घंटे में आएगी मुझे वो दर्द था